छोटे छोटे दुकानदार लोग का ज़्यादा परेशानी हुई। तो हम लोग 2 साल से बिजनेस फ्लॉप ही चल रहा है, अगर फिर से लॉकडाउन लगती है तो बहुत ज़्यादा हम लोग की परेशानी होगी। हम लोग का किराया तहाक नहीं जुट रहा, पढ़ाना लिखाना तो दूर के बाद पेट नहीं ठीक से चल रहा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि लॉकडाउन हो। लॉकडाउन होगा तो गरीब आदमी का बहुत मरण हो जाता है। हम सब रोड पर बैठे ना, नहीं कमाएंगे तो कहाँ से खाएगा। लॉकडाउन में लगेगा तो मर ही जाएगा। दुकानदारी न चले, कोई बिजनेस न चले, हम लोग का तो बैंक ही न है। क्लास अभी ऑनलाइन जो अभी ऑनलाइन चल रहा है, मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है, तो पढ़ेंगे कैसे भी। गरीब आदमी यही से खाना है, यही से पढ़ाना है, यही सारा चीज खर्चा जुटाना है, किराया रूम देना है, तो कहाँ से नहीं बीतेगा, कच्चा सौदा सड़ जाएगा तो हम लोग कहाँ से करेंगे। वैसे मगर लॉकडाउन लगता है तो आप लोगों की क्या स्थिति रहेगी, क्या आप चाहते हैं लॉकडाउन? लॉकडाउन तो अभी फिलहाल नहीं लगेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो पिछले फर्स्ट और सेकंड में जो हालात हुआ है बिजनेस करने वाले लोगों को, और इसमें छोटे छोटे दुकानदार लोग का ज़्यादा परेशानी हुआ। जैसे हम लोग का कॉलेज का मार्केटिंग है और कंटिन्यू कॉलेज बंद ही रह रहा है, तो हम लोग 2 साल से बिजनेस फ्लॉप ही चल रहा है। अब बहुत बहुत सारा ड्यूज हो गया जो कि हम लोग उभर नहीं पा रहे हैं। अगर फिर से लॉकडाउन लगती है तो बहुत ज़्यादा हम लोग की परेशानी होगी। सरकार लगातार समीक्षा कर रही है लॉकडाउन के लिए, अगर फिर से लॉकडाउन हुआ हम लोग तो नहीं चाहते हैं कि लॉकडाउन हो। हम लोग की भुखमरी छाई ला, हम लोग का किराया तहाक नहीं जुट रहा, ऐसा हालत खराब हो। अब घर 100-200 रुपया भी बचत नहीं हो रहा, ऐसा हालत खराब हो। जिंदगी काटना, बाल बच्चा के पढ़ाना लिखाना तो दूर के बाद पेट नहीं ठीक से चल रहा, ऐसा हालत हो। गांहकी आ ही नहीं रहा। नहीं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि लॉकडाउन हो। हम लोग का चाहे, हम लोग भूखे मरने के लिए लॉकडाउन लगाएंगे? ऐसा हालत है कि किराया तहाक नहीं हम लोग को जुट रहा। घर मालिको बोलता है कि काहे नहीं किराया, तो हम लोग बचे तब न दें, बच ही नहीं रहा। जब से लॉकडाउन लगा एकदम हालत खराब हो। जहाँ 300-400 बचता था वहाँ 100-200 पर आई है, दम बाजार खराब हो। सरकार लगातार समीक्षा कर रही है कि लॉकडाउन आगे लगाया जाए या नहीं, ऐसे मगर लॉकडाउन लगता है तो आप क्या करेंगे, क्या आप चाहते हैं लॉकडाउन? लॉकडाउन में आपस में सावधानियां होना चाहिए, लॉकडाउन में होना चाहिए, जो समस्या उसका समाधान होना चाहिए। लॉकडाउन होगा तो गरीब आदमी का बहुत मरण हो जाता है। हम लोग का खाने पीने के लिए भी सोचने पड़ता है कि कहां से बाल बच्चा का गुजारा करें। सरकार लगातार समीक्षा कर रही है कि क्या लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं, क्या आप लोग चाहते हैं लॉकडाउन लगे? लॉकडाउन लगेगा तो खाजी खाएंगे सर, है और लॉकडाउन नहीं लगेगा सुरक्षित कुछ करें। और लॉकडाउन लगेगा तो यह बाल बच्चा तो भूखले मर जाएगा ना, है कोई रोजगारियो तो ना है कि सरकार के फैक्ट्री खोल रहे हैं तो उसमें बैठ के आराम से मोक्स लगा के कमाए है। पटना में के जो खाली कहाँ देखा था रोड और पुल, बस दुए चीज है ये, या कोई गरीब की आढ़त है कहूँ, और खाली पार्क, बस 3 चीज। हम सब रोड पर बैठे ना, नहीं कमाएंगे तो कहाँ से खाएगा। लॉकडाउन में लग जाएगा तो मर ही जाएगा। तब तक यही हुआ कि सुरक्षित करना चाहिए, या 8 बजे ड्यूटी हो, 11 बजे तक दुकान खुला रहता, हो गया 8 बजे तो कुछ आड़त है। और यदि जाए 5 बजे लग जाएगा लॉकडाउन, 4 बजे दुकान उड़ जाएगा तो हम लोग और बर्बाद हो जाएंगे। किस लिए कि सब्जी लाएंगे या कभी लगाएंगे कभी बेचेंगे, पूंजी निकालेंगे कि फायदा निकालेंगे, और बिक्री नहीं हो रहा है। अथी के चलते, लॉकडाउन के चलते आधा आदमी खाना बढ़िया से नहीं खा रहे हैं, सौदा सब्जी सोच सोच के खा रहे हैं। कुछ करिए, बाकी आदमी पब्लिक के भी पेट भरना चाहिए। एकदम कि लॉकडाउन लग जाए कि दुकानदारी न चले, कोई बिजनेस न चले, तो जिनको तो पैसा तो अपना निकाल निकाल बैंक से खाएंगे, हम लोग के तो बैंक यही न है। कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो भूखल रहेंगे। और सरकार तो नहीं देंगे पैसा कि जाओ बर्त देंगे खाना, दूरों चारों देंगे, डेली कितना देंगे घरे घरे, रोड पर कितना देंगे, वो 5500 किराया लगता है हम लोग को, 6000 के महीना कहाँ से देंगे। बाल बच्चा के कहते हैं सरकार नीतीश कुमार की पढ़ाओ, आधा रोटी खाओ, बाल बच्चा के पढ़ाओ, बेटा के बीए करे ले भीख मांग के रोड पर। अभी कोई नौकरी दे रहे हैं? आए अभी हाथ पटकेगा जहाँ 10,000 रुपया कमा के निकलेगा प्राइवेटो में, बाकी कहाँ बने लें आढ़त की चले औरत अब बेटन कुल के पढ़ा के रोडवे पर धैले है। सरकार नौकरी दे, हम लोग कहे कथी रहेगा, बेटन मोक्स लगाएगा नौकरी करेगा। गरीब आदमी को नौकरी मिलता सा, दौड़ में गया जिसको सेटिंग हुआ
उसको आगे निकाल दिया, हम लोग के बेटा के पीछे कर दिया, इतना सुन हम सबके बेटा का नौकरी कट गया काहे, सरकारे के रुपया सरकारे के पैरविकार सब चीज सरकार जकरा बड़का है ना ओकरा सरकार रुपया दे तो ओकरा नौकरी लगा रहा तू, गरीब के कोई नौकरी नहीं है, गरीब के भीख मांग के पढ़ाओ आ फिर जाओ देहात में ढेला टारने के लिए, गरीबी के गरीबे रहो अमीर नहीं बनो, गरीब के हाँ लगे काहे नहीं लगे कि भीख मांग मांग के पढ़ा रहे मंजूरी कर कर के पढ़ा रहे किस लिए कि मेरा बेटा आगे बढ़े नौकरी सरकार मुझे दे, जब सरकार कहे कि आधा रोटी खाओ आ बाल बच्चा के पढ़ाओ तो क्या भीखे मांगने है, औरत अभी 6 बजे से दुकान लगाते हैं 11 बजे दुकान मेरा सबके उड़ता है, अब 8 बजे उड़ जाता है लॉकडाउन के चलते, तो क्या कर रहे हैं भीखे न मांग रहे हैं बाबू भैया सर बाबू करके अब पढ़ा दिए बेटवा का बेटवो रोडवे पर है तो फायदा कुछ नौकरी देंगे तब ना हम लोग भी आढ़त रहेगा, अब पढ़ा दिए कुछ नौकरी है नहीं, खाली जहाँ देखा तब पुल कहाँ देखा तो खाली रोड कहाँ देखा तब पारक, यही में पेट भरते गरीब के, आखिर कोई फैक्ट्री बना दे जहाँ पटना में पूरा में जमीन है फैक्ट्री बना दे कि औरत मर्द सब उसी में खट्टो नौकरी लगे चाहे ना प्राइवेट खटेंगे। मेरे अनुसार तो ये लॉकडाउन तो होना चाहिए पर सब चीज पे जैसे शिक्षा पर हम जो क्लास अभी ऑनलाइन जो अभी ऑनलाइन चल रहा है मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे भी, और बंद कर दिया है तो फिर मेरा तो पढ़ाई चौपट हो गई है तो 11th वाला जो मेरा मैं अभी 11th क्लास में हूँ साइंस लिया हूँ तो इसके वजह से मेरा पढ़ाई तो चौपट हो गया, मेरे पास मोबाइल नहीं है तो क्या कैसे पढ़े बताइए, सब कुछ में लॉकडाउन लगा पार्क जो हो गया पार्क हो गया और सब जहाँ मतलब घूमने वाला एरिया सब बंद कर दिया जाए, मानते हैं कि बंद हो जाए, बाकी सब जो शिक्षा जो हम सबको प्राप्त नहीं हो पा रहा है जो स्कूल हो गया कॉलेज हो गया ये सब तो खुलना चाहिए, क्लास व्लास तो होना ही चाहिए, अब मेरा क्लास ही बंद हो गया तब कैसे पढ़ेंगे हम बताइए, मतलब इलेक्शन खत्म हो गया इलेक्शन सरकार का तो लॉकडाउन लग गया, जब इलेक्शन चालू हुआ तो लॉकडाउन सबका खत्म, जाना कोरोना नहीं था अभी कोरोना आ गया, ये कौन सरकार बताइए इलेक्शन के खरी काहे ने बोला कि कोरोना आया, अभी सबको कोरोना धर लिया ही धर लिया, हम लोग सर यही चाह रहा है कि हम लोग का लॉकडाउन लग गया तो सरकार का मतलब क्या होता है कि हम सबके लिए लॉकडाउन, गरीब का आदमी के 6 बजे सिपाही भागा 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 बटोर लेते ठीक, तो हमारा कहना है कि पार्क पुल तो बंद कर ठीक कर दिया, मगर गरीब आदमी यही से खाना है यही से पढ़ाना है यही सारा चीज खर्चा जुटाना है किराया रूम देना है तो कहाँ से नहीं बिकेगा कच्चा सौदा सड़ जाएगा तो हम लोग कहाँ से करेंगे, बेटा वोटा के तो कोई नौकरी है नहीं है कमाना सब तीन गो बेटा है सब पढ़ाते हैं कोई को बेटा पढ़ कोई बी ए फल करके अथी जिसको सेटिंग है उसका नौकरी लग गया जिसका बेटा पढ़ल है गरीब का कोई नहीं पर विकार वो नीचे रह जा रहा सरकार खाली घुसखोरी वाला के नौकरी लग रहा और गरीब का बेटा पढ़ के ठेले पर पढ़ पढ़ के ठेले पर सब्जी बेच रहा। ABP News आपको रखे आगे।